हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेप टू ग्रो में। आज हम एक्सेल ट्रेनिंग में पिवट टेबल कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बताया है कि पिवट टेबल आप कैसे बनाएंगे, आपके उसमें एडिशनल फीचर्स क्या क्या हैं, ऐप ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं आपको उसमें, एडवांस फीचर्स क्या क्या हैं उसमें, स्लाइसर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे पिछले वीडियोज़ पिवट टेबल पर आप देख लीजिए। आज के वीडियो में हम आपको पिवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड्स और आइटम्स के बारे में हमको आपको बताएंगे यहाँ पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिवट टेबल जो होता है आपका, इसमें आप वैल्यूज़ आप डाल सकते हो। एंड कई बार हम जब काम करते हैं रिपोर्ट्स में तो हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है कि डेज है यहाँ पर, एरर है और नंबर ऑफ ऑडिट है। अगर मुझे देखना है कि इसमें मेरा एरर परसेंटेज क्या था हर दिन का, तो दोस्तों मैं कैसे करूँगा, एरर परसेंटेज मुझे निकालना है तो सिंपल सा रहेगा एरर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑडिट। तो देखो दोस्तों, आपने अब मैंने नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाया और मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। ये एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन इस तरीके में बहुत दिक्कतें होती हैं कई बार, क्योंकि अगर मैं इसमें से यहाँ पर ऑडिट्स हटा देता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, या फिर अगर मैं इसमें कोई वैल्यूज में कुछ एक ऐड करता हूँ तो मुझसे पूछेगा कि यहाँ पर आपका डेटा ऑलरेडी है, क्या आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, और अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये उसको ओवरराइट कर देगा, उसके ऊपर लिख देगा, पिवट टेबल को डाल देगा, और अगर मैं डेटा हटाता हूँ तो फिर मुझे नहीं मिलता है। इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, आप पिवट टेबल पे सेलेक्ट करेंगे तो पिवट टेबल टूल आएगा आपके पास। इसमें एनालाइज में जब आप जाएंगे तो आपके पास फील्ड आइटम एंड सेट आता है। यहाँ से दोस्तों आप इसमें फील्ड या आइटम इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि पिवट जो हमने आपको यहाँ करके दिखाया था अलग से एरर परसेंटेज कैलकुलेट करके, वो आप पिवट में ही करके डाल सकते हैं। उससे आपका फॉर्मूला भी नहीं हिलेगा, चेंज नहीं होगा, और आपकी वैल्यूज आपके पिवट्स में ही अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी इजीली आपको। इसमें दोस्तों दो चीजें होती हैं, फील्ड एंड आइटम। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कॉलम्स में चाहिए तो आप फील्ड क्रिएट करेंगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको रोज में चाहिए तो आप आइटम क्रिएट करेंगे। दोस्तों फील्ड में जो आप क्रिएट करेंगे वो आप मेन डेटा पे कर सकते हैं, आइटम्स में जब आप आइटम क्रिएट करते हैं तो आइटम डेटा के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे ही लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे पर्टिकुलर कैटेगरी पे लगता है, मतलब यहाँ पर मैंने डेज लिया हुआ है रोज में, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। अब अगर मुझे केवल मंडे का परसेंटेज देखना है इस टोटल में तो मैं आइटम बना सकता हूँ, लेकिन मुझे एरर और ऑडिट में कैलकुलेशन करनी है कुछ तो मैं फील्ड क्रिएट करूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आइटम्स और फील्ड का। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आया है, आपको इसमें यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज कमेंट करें, मैं आपको आंसर करूंगा इसका। अभी हमें फील्ड बनाना था तो मैं आपको फील्ड बना के दिखाता हूँ। एरर परसेंटेज मुझे बनाना है यहाँ पर, फॉर्मूला जैसे मैंने आपको उसमें करके दिखाया था नॉर्मल में, एरर्स डिवाइडेड बाय ऑडिट हमारा टोटल ट्रांजेक्शन था, ओके। ये एरर परसेंटेज आ गया, इसको मैं यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, एरर परसेंटेज मैंने ले लिया। अब इसकी वैल्यू देखिए दोस्तों यहाँ पॉइंट्स में आ रही है, तो वैल्यूज में देखिए एरर परसेंटेज आ रहा है। यहाँ पर मैं इसमें जाऊंगा, फील्ड वैल्यू सेटिंग में जाऊंगा, नंबर फॉर्मेट है, इसको मैं परसेंटेज कर दूंगा एंड ओके।
देखिए दोस्तों, ये अपने आप सारी चीज़ें परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई हैं। अब इसमें से अगर मैं ऑडिट हटा भी देता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अगर मैं ऑडिट डाल देता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये पिवट के अंदर आ गया है। अब इसमें चेंजेस अगर मुझे चेंज करने हैं तो मैं वापस यहीं पे जाके चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा और ना ही ये हटेगा। हटाना अगर है तो मैं वैल्यूज़ में जाके एरर परसेंटेज हटा दूंगा, या फिर देखिए दोस्तों मेरे यहाँ पर जो हेडर्स हैं उसमें ये ऐड हो गया है, जबकि मेन हेड में ये जो टेबल था मेरा उसमें नहीं है ये डेटा ये कॉलम, बट यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है कि मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। ये कैलकुलेटेड फील्ड बन गई है मेरे लिए। एंड दोस्तों यहाँ पर आप अगर किसी पिवट में मल्टीपल आपने बनाए हैं और आप फॉर्मूला कंफ्यूज हो गए हैं तो आप यहाँ से लिस्ट फॉर्मूला में जा करके आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से कैलकुलेटेड आइटम या कैलकुलेटेड फील्ड बनाई हुई हैं। तो ये आपको यहाँ पर इजीली देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा दोस्तों सॉल्व ऑर्डर, अगर आपको किसी फॉर्मूले में कोई चेंज करना है पुराने तो आप कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने आपको बताया फील्ड और आइटम आप कैसे क्रिएट करेंगे और उनका यूज क्या है। अगर दोस्तों आपको इसमें किसी पिवट टेबल में या फिर किसी फॉर्मूले में कोई क्वेश्चन हो या फिर क्लेरिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको उनका आंसर जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपको उनका आंसर करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।